तो चलिए बनाते हैं फिश करी। तो मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें हम 2 चॉप्ड अनियन डाल देंगे। और अनियन को तब तक पकाना है जब वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब अनियन थोड़ा गोल्डन होने लगा है। अब इसमें हम चॉप्ड टमाटो डाल देंगे। ये 2 बड़े टमाटो चॉप्ड करके रख दिए थे मैंने। इसे भी अच्छी तरह पकाना है जब तक टमाटो का पानी ना सूख जाए। टमाटो को पकाने से टमाटो का कच्चापन निकल जाता है और सब्ज़ी में स्वाद आता है। इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब मसालों को थोड़ा पकाना है। टमाटो भी कुक हो चुका है, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद उसे हम ब्लेंडर में प्लेन कर देंगे, जैसे स्मूथ ग्रेवी बन जाए। ये देखिए ग्रेवी को मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब ग्रेवी को फिर से पैन में डाल देंगे। फिश को पहले ही मैंने धोकर तैयार करके रख दिया था। अब इसमें हम फिश के पीसेस डाल देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिए इसमें, कड़ी पत्ते का सुगंध बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा दही डाल देंगे।
थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब ग्रेवी पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें हम फ़िश के पीसेस डाल देंगे। ये बोनलेस फ़िश है, इसको मैंने पहले ही धोकर साफ़ करके रख दिया था। अब इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और 10 मिनट में ये फ़िश कुक हो जाएगी और फिर बाद में चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। फ़िश करी को आप गरम राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये क्विक बन जाती है। एंजॉय फिश करी।